हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ का मॉक टेस्ट। वो भी चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम बनाएं तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिएगा और फिर लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना आंसर को सही किया है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ 10 इनवर्स 3/4 का मान क्या होता है। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा, ये जो कॉस है ना, कॉस का जो मान आता है माइनस एक से एक के बीच आता है। ठीक है, लेकिन यह कॉस यहाँ 10 इनवर्स है, तो आपको बताना चाहेंगे कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जो थीटा होता है वो थीटा होगा, लेकिन ये थीटा का मान हमेशा आना चाहिए माइनस एक और एक के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, टेन इन्वर्स को हम कॉस इन्वर्स में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताओ, ये आपका टेन इन्वर्स 3/4 है। थोड़ा समझिएगा, बड़ा हम आसान चीज़ से समझाएंगे, अच्छा लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे समझाएंगे, लेकिन आपको समझ में अच्छा से आएगा, कॉन्सेप्ट के साथ सीखिएगा। ठीक है, हम जानते हैं दसवें से पढ़ते आ रहे हो, 10 का मतलब होता है पी बाय बी, तो कन्फर्म है कि 3 पी के स्थान पर है और 4 बी के स्थान पर है। सही है, अगर पी 3 हो बी 4 हो तो कन्फर्म है एच हो जाएगा 5। क्यों? ट्रिपलेट के नियम से कुछ बातें याद रखो, अगर 3 और 4 होता है तो तीसरा ऑटोमेटिक 5 हो जाता है। ठीक है, तो अब बताओ, हम बोल रहे हैं 10 इनवर्स को कॉस इनवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो कॉस इनवर्स का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, बी बाय एच। यहाँ पर बताओ, बी के स्थान पर कौन है 4, एच के स्थान पर कौन है 5। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो 4/5 आ रहा है वो क्या माइनस एक और एक के बीच आ रहा है? यस, क्योंकि 4/5 एक से छोटा है। यस, ये आ रहा है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, 4/5। ये जो आपका कॉस इनवर्स 4/5, ये किसका बदला हुआ रूप है, ये 10 इनवर्स 3/4 का बदला हुआ ये रूप है। ध्यान रखना होगा कि यह 4/5 एक से या तो एक हो या एक से छोटा हो। यस, एक से छोटा है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो एक से छोटा हो जाता है। हाँ, अब बताओ, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया और ये 4/5 आ गया, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो पढ़ लिख कर अपने आप को बदल डालो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कैसा लग रहा है? अगर आपको और भी अच्छे से सीखना है तो कमेंट करके बताइएगा, हम और भी आसान तरीका से सिखाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 इनवर्स ऑफ, थोड़ा ध्यान देना, धीरे धीरे सीखना लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ सीखना। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10 इनवर्स, ठीक है, 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, बढ़िया से समझेंगे। यहाँ पर ये देखो कि ये साइन इनवर्स जो 1/2 होता है वो सब के दिमाग में अटा होगा कि साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 के मान। ठीक है, π/6 का मान। अच्छा, ये साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है, क्योंकि 1/2 साइन π/6, 1/2 को साइन π/6, और पहले से साइन इनवर्स है और π/6 हमेशा याद रखिएगा कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है माइनस π/2 से π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, 1/2 π/6 साइन का और π/6 इन दोनों के बीच में है, तो ये पूरा अगर आप हटाइएगा तो इसके स्थान पर π/6 आ जाएगा,
लेकिन इससे पहले आपके आगे दो है, ठीक है, ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये पूरा का मान कितना हो गया, पाई बाय थ्री, क्योंकि दो तीन अच्छो, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस पाई बाय थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बताओ, टू कॉस पाई बाय थ्री, और कॉस पाई बाय थ्री का मान होता है वन बाय टू, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, वन, और वन के आगे कौन है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स वन। अब बताओ वन टेन कितना का मान होता है, वन जो होता है टेन पाई बाय फोर का मान होता है। ध्यान से याद रखना, क्या याद रखोगे कि टेन इनवर्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है। यहाँ पर देखो पाई बाय फोर है, और पाई बाय फोर माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में है, इस कारण से ये दोनों आइडेंटिकल होने के बाद क्या हो गया, पाई बाय फोर, जो कि आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, बी, जो कि बोर्ड में आप करने वाले हो, बेहतरीन, ठीक है। तो हो गया पाई बाय फोर, क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम बताते हैं इस सेशन का तीसरा नंबर का क्वेश्चंस, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि cot इनवर्स माइनस वन बाय फाइव, जो कि बराबर है x के, ठीक है, किसके बराबर है, x के। जब x के बराबर है तो हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, साइन x का मान क्या होगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब चलो, जब दिक्कत है ही नहीं तो ध्यान से याद रखिएगा हमको करना क्या है। अच्छा ये बताओ, ये जो cot इनवर्स माइनस वन बाय फाइव जो है, ठीक है, x के बराबर है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं cot x इक्वल माइनस वन बाय फाइव, यस लिख सकते हैं। जब आप इसको cot बराबर माइनस वन बाय फाइव लिख सकते हैं तो श्योर है हमें बदलना किस में है, sin x में। अच्छा जब आप sin x में चेंज करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर। देखो हम आपको एक चीज़ समझाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा कि cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा वन के बराबर, सही है। तो क्या हम cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos x स्क्वायर थीटा माइनस वन, यस। फिर हम cot थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर, सॉरी हम थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें चाहिए क्या चीज़, cos x चाहिए, तो cos x स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, और क्या हम cos x थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, यस। अब क्या करना है, वन प्लस cot, cot का स्थान पर क्या माइनस वन बाय फाइव, लेकिन वहाँ स्क्वायर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एक बट्टा पच्चीस, पच्चीस एक छब्बीस, यानी कि छब्बीस बटे पच्चीस, छब्बीस का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट छब्बीस, अब पच्चीस का निकलेगा पाँच। ये जो मान आया है वो cos x थीटा आया है, अगर हम cos x थीटा को कहेंगे sin थीटा तो ऊपर कौन चला जाएगा, पाँच, और नीचे कौन आएगा, रूट छब्बीस, ठीक है। तो ये रहा हम क्या कैसे किए पता चल रहा है ना, हम ये बोले cot इनवर्स माइनस वन बाय फाइव एक्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा cot x, cot x बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन बाय फाइव, और माइनस वन बाय फाइव जब हो ही जाएगा फिर क्या करना है, हम cos x स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, यस। अच्छा स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, रूट चढ़ गया, रूट के बाद हम यहाँ पर x है तो x ले लो, x ले लो, ठीक है। अच्छा वन प्लस cot, cot का मतलब माइनस वन बाय फाइव,
माइनस वन बाई फाइव का स्क्वायर करेंगे, एक बटा पच्चीस, पच्चीस का पच्चीस एक छब्बीस, रूट छब्बीस, अब पच्चीस का वर्गमूल पाँच, कौशिक का उल्टा क्या होता है साइन, तो इसको भी उलट देंगे, पाँच बटे रूट छब्बीस, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आ रहा है समझ में कैसे क्या करना है? अच्छा, अब आते हैं इस सेशन का चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझना है। देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन हो रहा है कि साइन इनवर्स माइनस हाफ और है प्लस टू कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू। ठीक है, आपको मालूम होगा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा का मतलब होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू प्लस टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। सही है, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वन बाई टू साइन कितना होता है पाई बाई सिक्स, तीस डिग्री, और तीस डिग्री माइनस नब्बे और नब्बे के बीच में आता है, तो क्या हम इतना को लिख सकते हैं पाई बाई सिक्स। सही है, प्लस टू, अब यहाँ देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, और रूट थ्री बाई टू कॉस पाई बाई सिक्स, हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई सिक्स। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो गया माइनस पाई बाई सिक्स प्लस, यहाँ देखो छो एक का छो, छो में एक या पाए, पाँच पाई बाई सिक्स, पाँच पाई यानी पाँच दूनी दस पाई बटे सिक्स, ये दोनों सेम है, दस पाई में पाई गया तो हो गया नौ पाई बटे सिक्स, तीन दूनी छो, तीन तिया नौ यानी थ्री पाई बाय टू, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सही जा रहा है, कोई दिक्कत है तो बताना कमेंट कर सेक्शन में, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि और हम कैसे आपको बताएं ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लेकिन हाँ आप पहले से खुद बनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि टेन इनवर्स माइनस वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू कितना का मान हो सकता है। तो यहाँ पर समझें, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन, और अच्छा पहले टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन निकाल लेते हैं, तो जगह माइनस टेन इनवर्स वन, क्योंकि आपको मालूम है, क्या मालूम है कि टेन इनवर्स माइनस थीटा को लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। ये क्लास में भी बताए थे, जो नए देख रहे हैं वो भी जानते होंगे कि टेन इनवर्स माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ वन टेन कितना का मान होता है पाई बाय फोर, जो कि माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में होता है, तो टेन इनवर्स वन को हम लिख सकते हैं पाई बाय फोर। तो यहाँ पर देखो इसका मान तो माइनस पाई बाय फोर हो गया, अब हमें निकालना है किसका मान, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू का। ठीक है, अब कॉस इनवर्स में निगेटिव होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पाए माइनस कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू पाए माइनस, अब यहाँ देखो वन बाय रूट टू कॉस कितना पाई बाय फोर, अब पाई बाय फोर जीरो और पाई के बीच में होता है, ये मालूम होगा आपको, तो हम कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू को लिख सकते हैं पाई बाय फोर, जिसको हम लिख सकते हैं थ्री पाई बाय फोर एलसीएम लेके। अब देखो अरे उस दोनों को तो जोड़ना है, तो यहाँ पर हो गया पहला वाला में माइनस पाई बाय फोर, जो वो क्या हो गया थ्री पाई बाय फोर। सही है, ये दोनों सेम है तो तीन पाई में पाया गया टू पाई बाय फोर, टू पाई बाय फोर, दो दूनी चार, जो कि आपका आंसर है पाई बाय टू, और ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, आप अच्छे से भी बनाएंगे और मज़े से बनाएंगे, ठीक है ना, और रिलैक्स में बनाएंगे। अब यहाँ पर सुनो, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन टू टेन इनवर्स फाइव बाय एट, ठीक है,
इसका मान क्या हो सकता है। ठीक है, आप ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा। आपको बताए होंगे कि 2 tan inverse x को हम लिख सकते हैं tan inverse of 2x अपॉन 1 minus x square। तो यहाँ पर देखो, ये तो आपका हो गया साइन, और इसको हम लिख सकते हैं tan inverse 2x। 2 को x से गुना करना है, तो 2 को किससे गुना करना है, 5/8 से, तो हम लिख सकते हैं 10/8। फिर क्या लिखेंगे, 1 माइनस, फिर क्या चीज़, x का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 64। सही है। अब क्या करना है, अब ये करना है, ये तो हो गया साइन, ये हो गया टेन इन्वर्स। अब सुनो, 64 यहाँ पर होगा, 64 में अगर 25 को माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 39, यानी कि ये हो गया 10/8, ऊपर हो जाएगा 64 और नीचे हो जाएगा 39। आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब ये करना है, ये 8 से कटेगा, ठीक है, तो हो जाएगा ये 10 inverse 80/39। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये बताओ, इसके आगे आपका क्या है, साइन। तो ऐसा करते हैं, 10 inverse को हम साइन में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन, और 10 inverse को बना लिए हम साइन, साइन इन्वर्स। अब यहाँ पर देखो, ये है पी और ये है बी, तो साइन इन्वर्स में पी होता है, तो पी में कौन आ गया, 80। आप ऑप्शन से भी मार सकते हो, ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन इन्वर्स, साइन ऑफ साइन इन्वर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, तो 80 आएगा ऊपर, और नीचे कौन आएगा, एच। एच का मतलब क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6400, और ये हो जाएगा 39 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा, और जोड़ने का आप करना क्या है, 2 tan inverse, तो 10 inverse 2a, 5 × 10/8, और 1 minus x square, 25 और 64। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 80/39। ये P है और ये B है, ये साइन है, ठीक है, तो इन्वर्स बनाना है साइन इन्वर्स, ये P है और ये B है। साइन इन्वर्स होने के लिए P चाहिए, P कितना है, 80, कहीं 80 देख रहा है, आगे 80 देख रहा है, यही मार देना आंसर। सही है, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में एरर हो गया, इसके लिए सॉरी, आप कर लीजिएगा, थोड़ा जल्दी में हो गया था। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाँ, 10 inverse x और बराबर 5/4 माइनस 10 inverse 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, करना क्या है, अच्छा ये तो हो गया आपका 10 inverse x प्लस 10 inverse 1/3, और इधर है 5/4। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप फार्मूला करिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3, और ये हो जाएगा 1 minus x into 1/3, और ये हो गया 5/4। यहाँ पर क्या हो गया, 3x plus 1/3 अपॉन, ये हो जाएगा 3 minus x upon 3 बराबर, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 5/4। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 3x plus 1 upon 3 minus x, 10 45 1, 3x plus 1, ये जगह 3 minus x, इधर आ जाएगा 4x, उधर जाएगा 2x बराबर 1/2। यहाँ पर x बराबर 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में एरर हो गया था, फिर हमने सुधार भी लिया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बनाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन मतलब कि छूट जाता है, मतलब कहीं कहीं गुना छूट जाता है, ताकि हमें लगता है कि हमें अच्छा से करना, और अच्छे के चलते में हम थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाता है, जो कि माइनर बात नहीं है। फिर हमने देखा, फिर किया, इसलिए हमेशा याद रखिए कि मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है, आप बनाते रहिए और खुद बनाइएगा, अगर अगल बगल देखते तो हो सकता है कि वो गलत भी बनाए, तो श्योर है जब तक आप सेटिस्फैक्शन ना हो मैथ में तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर सेटिस्फैक्शन हो गया तो कन्फर्म है कि आप भी मज़े में रहिएगा और सर दर्द नहीं करेगा, इसलिए मैथ जब भी बनाते हो सेटिस्फैक्शन में रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ 10 ऑफ -5/4। तो यहाँ पर देखिए,
साइन इनवर्स है और टेन टेन ऑफ माइनस फाइव पाई बाय फोर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टेन में माइनस रहता है निकलता है माइनस, फिर साइन में इनवर्स माइनस ये भी निकलता है माइनस, तो यह माइनस हो गया, ये साइन इनवर्स हो गया, टेन हो गया, क्योंकि टेन में निगेटिव होता है तो बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकला तो साइन इनवर्स का आगे भी माइनस, ये भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब सुनो चार से अगर भाग लगाते हैं तो एक बार पाई में लगेगा, चार एक चार, ठीक है, एक बचेगा पाई, आप कर सकते हो ना, चार का चार, एक पाई पाई बाय फोर। अब यहाँ पर बताते हैं ये हो गया साइन इनवर्स। अब देखो टेन पाई प्लस थीटा, पाई रहता है तो चेंज नहीं होता, ये तीसरा घर में चला गया तो ये हो जाएगा टेन पाई बाय फोर। ठीक है, जब टेन पाई बाय फोर हो गया तो क्या करना है, तो साइन इनवर्स, और आपको पता है कि टेन पैंतालीस का मान वन होता है। अब बताओ साइन इनवर्स वन डायरेक्ट आपको याद होगा पाई बाय टू, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। सही है, आ रहा है समझ में? ठीक, चलिए इस सेशन का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार इसलिए है जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन टेन सब लगा कर आएंगे दस, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 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 ये जो साइन इनवर्स, ध्यान देना, जो साइन इनवर्स साइन थीटा जो मान आता है, ये जो साइन इनवर्स साइन थीटा का जो मान आता है, इसका रेंज जो होता है ना, रेंज वो होता है, साइन इनवर्स का रेंज जो होता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इसका जो डोमेन होता है माइनस वन से वन होता है, तो दस तो होगा नहीं। सर होगा क्या, तो हमें ये बताओ, तो देखो बताते हैं, देखिए इसको बनाने के लिए बताते हैं, साइन इनवर्स साइन टेन बराबर मान लो थीटा, तो क्या हम इसको मान सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन दस? सही है, आप अलेवेंथ में पढ़े होंगे कि अगर साइन वाई बराबर साइन एक्स हो, ठीक है, ठीक है, तो एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन, और ये हो जाएगा दस है तो यहाँ दस हो जाएगा, एन का मान क्या लीजिएगा, ज़ीरो एक दो तीन, इस तरह से लीजिएगा। अच्छा, जब हम ज़ीरो बैठाएंगे तो ये सिर्फ दस आएगा, जो होगा नहीं, अगर एक बैठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, पाई, पाई का मान हो गया बाईस बटा सात, ठीक है, एक बैठाएगा तो माइनस हो जाएगा ये दस, दस सत्ते सत्तर, सत्तर में बाईस गया तो कन्फर्म है, सत्तर में बाईस गया तो ये हो जाएगा बाईस माइनस सत्तर बटे सात, तो ये हो जाएगा आठ, और ये हो जाएगा अड़तालीस माइनस अड़तालीस, और ये हो जाएगा सात। देखो तो ये माइनस एक से क्या हो रहा है, आपको हम क्या बताएं, जब भी होगा माइनस एक और एक के बीच होगा, ठीक है, माइनस दो नहीं होगा, माइनस तीन नहीं होगा, तो वो सात से भाग लगाओ तो माइनस एक से आपको ज़्यादा ही दिख रहा है, दिख रहा है ना, मतलब माइनस एक से कम, यानी माइनस एक से कम नहीं होनी चाहिए, माइनस एक से ज़्यादा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए, यहाँ देखेंगे तो माइनस एक से कम ही हो रहा है, एक भी नहीं होगा। अगर हम दो लेते हैं, अगर आप दो लीजिएगा तो हो जाएगा दो बाईस दूनी चौवालीस बटे सात, दो ये तो हो गया आपका प्लस में, तो ये हो गया दस, फिर देखो दस सत्ते सत्तर, सत्तर और चौवालीस बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि एक से बड़ा हो रहा है। अगर हम तीन रखते हैं, तीन तीन पाई बटा बाईस बटा सात, तो हो जाएगा कितना छियासठ बटे सात, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा दस, ठीक है, दस सत्ते सत्तर, अब ये सत्तर जो रखिएगा छियासठ में सत्तर गया, माइनस चार बटा सात, देखो तो माइनस एक से छोटा है, यस, इसलिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा तीन, तीन रखिए तो तीन पाए, तीन रखिएगा माइनस तीन माइनस दस, जो कि ये होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझना पड़ेगा, सही है ना, कैसे कैसे मान रखे आप समझ गए, आप चेक करते जाइएगा, ऐसा चेक करना है कि ना तो माइनस एक से छोटा हो और ना एक से बड़ा हो, जब भी हो ये दोनों के बीच में हो, तो जीरो पर दस आ रहा है, एक रखोगे तो क्या हो रहा है कि एक रखोगे तो माइनस एक से छोटा बहुत हो रहा है, दो रखोगे तो एक से बड़ा हो रहा है, तीन रखोगे ना तो माइनस एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, इस तरह से हम आपको बता दिए। और ये ध्यान रखना है साइन वाई बराबर साइन एक्स होता है तो वाई बराबर एन पाई प्लस माइनस वन पर पावर एन एक्स होता है। ठीक है, ये करने का चीज़ है, इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस किया कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि अब तो सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि अगर एक्स माइनस पाई बाय, ऐसे भी आपको बताए थे पिछली क्लास में भी बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा कब, जब एक्स माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ये तभी कंडीशन हो सकता है जब एक्स माइनस पाई बाय टू पाई बाय ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मान एक्स होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन अगला,
ये सब तो आराम से बना सकते हो। आराम से क्या बना सकते हो, x कहाँ से, ज़ीरो से पाए, जब x ज़ीरो से पाए होता है ना, जब x ज़ीरो से पाए होता है तो cos इनवर्स cos x का मान डायरेक्ट x होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मतलब बढ़िया से याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है कि cos इनवर्स का बोलेगा रेंज क्या होगा, तो आप बताना ज़ीरो से पाए, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, हाँ 12 नंबर फिर से, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये रेंज हो गया। अगर डोमेन की बात करोगे तो आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू अगर होता है, श्योर है एक्स कहाँ से जा रहा है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो कन्फर्म है टेन इनवर्स टेन एक्स का मान हो जाएगा एक्स, ठीक है। सब समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन, वही बात हो रहा है कि x माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक x का मान होता है x, ठीक है। तो ये सूत्र है, ये आप रटे भी होंगे और इसको बनाए भी होंगे कि x का मान अगर माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में और ये भी हो लेकिन जीरो नहीं हो, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मतलब आपको समझाते हैं कि जैसे हम बोलेंगे क्या, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, एक्स होगा सर, तो बोलो एक्स का मान क्या हो सकता है, तो पहला कंडीशन एक्स का भी जीरो नहीं आएगा सर, नहीं आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, तो एक्स का मान माइनस पाई बाय टू आना चाहिए, पाई बाय टू आना चाहिए, लेकिन इसमें जीरो भी आएगा, हम पहले बोल दें जीरो नहीं, तो इसको पूरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए 14 नंबर, यहाँ भी दिखा है x जीरो, जीरो भी होगा पाई भी होगा लेकिन पाई बाय टू नहीं होगा, तो बताओ sec इनवर्स sec x का मान क्या होगा, x होगा। मतलब कि sec इनवर्स sec x का मान x होगा, सर x का मान क्या हो सकता है, तो कंडीशन x पाई बाय टू नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, x x जो होना चाहिए जीरो और पाई होनी चाहिए, ठीक है, पाई बाय टू नहीं होनी चाहिए। इसको पूरा लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस पाई बाय टू लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखो आगे क्वेश्चन है फिर से वही, x जीरो से पा है cot इनवर्स cot x, हम कह रहे हैं क्या कि cot इनवर्स cot x क्या हो सकता है, कहोगे x हो सकता है, अच्छा x तो हो सकता है, x का मान कहाँ क्या क्या होगा, कहोगे x का मान सिर्फ जीरो और पाई के बीच में होगा, ये ओपन इंटरवल है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत करना, ठीक, इंटरवल चार टाइप का होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, अब तो और मज़ेदार है, कह रहा है क्या कि ये साइन है और ये साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, एक चीज़ आपको समझाते हैं, जैसे रहता साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, ये एक्स होगा लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। अब देखो यहाँ है साइन, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स होगा लेकिन x का मान होना चाहिए माइनस एक से एक होना चाहिए, ये ध्यान रखना, अगर आगे खाली साइन रहे, ठीक है, तो x खोजना है माइनस एक और एक के बीच, अगर साइन इनवर्स रहे तो x का मान जब भी आएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो x माइनस वन से वन है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x का मान क्या होगा, x होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, x माइनस वन से वन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, x होगा, ठीक है, ये सब आपके कॉपी में बना होगा और आप उस कॉपी को एक बार खोलिए और देखिए, श्योर है आपका रिपीटेशन या रिकैपिचुलेशन हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे x सारे रियल नंबर, मतलब 10 ऑफ 10 इनवर्स x का जो भी मान आएगा सारे रियल नंबर आएगा, तो इसका मान क्या होगा, c होगा, ठीक है। आइए 19 नंबर, x सारे रियल नंबर होगा, cot ऑफ cot इनवर्स का मान x होगा, ठीक है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन है, x सारे रियल होगा लेकिन माइनस एक और एक को छोड़कर कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स का मान क्या होता है, x होता है। तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट क्लास 12 का, जो कि कुछ क्वेश्चन बनाया, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला था, कुछ क्वेश्चन बनाने वाला था और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब कि टिक लगाने वाला था, सिर्फ फॉर्मूला को आपको याद रख लेना, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी ट्वेल्थ और भी स्टूडेंट को फ्रेंड को भेजें, ताकि ये वीडियो बार बार नए नए वीडियो आपके साथ लेकर आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।